नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि करनाल के जिला सचिवालय में मौजूद है और यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है तरावड़ी के डोडवा गांव से पहुंची है। इनसे बातचीत भी करेंगे कि अपनी कौन सी समस्या लेकर ये यहाँ पर पहुंची है। जी क्या समस्या है, क्या समस्या लेकर पहुंची है? टावर लगी है छत के ऊपर, हम लगाने नहीं देते। 50 घर है नीचे, पता क्या उसमें बहुत बीमारी है। बच्चों पे पड़ता, डंगरों पे भी, हमारे बंदे बीमार है उन पे पड़ता। वो उसको मान नहीं दिया उसको। इसकी छत पे टावर लगा है? ए बारू के छत पे गडरिया है। अच्छा। हाँ, ये पट्टे से आया हुआ है हमारे गांव में। उसको 15 बार समझा लिया भी, उसको बंद कर दे, बंद कर दे। वो कहता मैं बंद कर दूंगा। फिर हमने पंचायत इकट्ठी करी, 4 दिन पंचायत हुई। पंचायत वाले ने उसमें साइन कर दिए बारू राम ने भी, मैं नहीं लगने देता, चल जैसे तुम कहोगे। वहाँ थाने में जाके उसने दरखास्त दे दी 3 बंदों पे, कंपनी वाले के थ्रू दवाई। आपने अपने अपनी छत पे लगाया तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत क्यों, दिक्कत बहुत है। बच्चों पे पड़ता हो बीमारी, डंगरों पे पड़ती है, जौन से बच्चे बीमार है उन पे पड़ता है। ये टावर में बहुत खतरा है, हम नहीं लगने देते हमारे छत के साथ। तो किससे मिलने के लिए पहुंचे? हम वहाँ डीसी पे पहुँचना, डीसी पे जब सुनेगा सुनेगा, नहीं तो बारू के टावर के साथ चिमड़ के मर जाएंगे सारे। ये क्या चीज़ है? ये उसकी दरखास्त है। किसको दी थी? ये दरखास्त यही लेके आए, आप वहाँ दी थी वो उनने नहीं कुछ, ये डोडवा तरावड़ी उनने नहीं लिया। थाने वाले खुद उनके साथ मिलके आते हैं, कहते हैं क्या कर लेंगे तुम, लगाओ लगाओ। तो गांव के सरपंच से नहीं मिलते हैं? मिले हैं जी, सरपंच कहते हैं, सरपंच भी हमारे साथ में, जी सब हमारे साथ में है और हमारे को धमकी देता है। मैं 1 महीने की तनख्वाह मेरे को आएगी, मैं लेके यहाँ से किराए पे चला जाऊंगा, ये घर छोड़ जाऊंगा अपना, ऐसे हमारे को बोलते है जी। हाँ जी, सरपंच की तरफ से भी ओके है जी। तो आप यहाँ पे पहुँचे हो, इससे पहले आप थाने में नहीं गए? थाने में हम गए थे जी, हमारे आदमी गए थे थाने में, मतलब जस्ट वो गए थाने में, उन्होंने दरखास्त दी तो थाने वाले यही बोलते हैं अभी उसकी दरखास्त आ रही है पहले से, यहाँ पे लगने दो टावर, हम कुछ नहीं कर सकते। वो भी पैसे खा के बैठ जाते हैं सारे, तो अब गरीब बंदे क्या करे जी, गरीब बंदे किसी के पास पैसे है किसी के पास नहीं है। आप क्या चाहते हो? अब यही चाहते हैं जी, टावर हटाना चाहिए, वैसे हम तो यही चाहते हैं जी। आंटी जी, टावर हटना चाहिए? हाँ जी, टावर नहीं हटेगा तो बीमारी फिर फैल जाएगा गांव में, तो फिर कौन देगा पैसे, कौन देगा गरीब लोग के, कौन देगा बोलो। और चरमैन है तो कहता है शहर में लगाने के लिए, तो वहाँ नहीं जाने दिया, ये अपने थ्रू लगाया। क्यों लगाया अपना थ्रू? तो गांव वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, 2-3 नौकरी हो गया जी। अब गांव वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। हाँ दिक्कत, दिक्कत गांव के बीच में क्यों टावर लगाता है? तो महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इतनी क्या जी आंटी जी, ऐसी क्या दिक्कत आ गई है टावर से कि आप पूरा गांव ही यहाँ पहुँच गए? गांव ही पहुँचा गए की और मेरे सुना सुनता तो नहीं कुछ ना, कोई डीसी कुछ करेगा मारते, दूसरा कुछ नहीं करेगा। डीसी साहब से मिले अभी? हाँ मिलेंगे। अच्छा मिलोगे? मिलोगे, डीसी करेगा, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता। गाँव के सरपंच साहब से नहीं मिलते आप? सरपंच ने वो बीमार पड़ रहा, उसके सहन हो रहे, अंगूठा लग रहा है, उसके मान नहीं दिया जी। क्या कह रहे हैं सरपंच साहब के पास जाते हो तो क्या कहता है वो? वो उसके साथ वो सरपंच भी गए हैं, एमसी भी गया है, मेयर सिंह है वहाँ का, अपने डोडवे का लंबरदार, उसने भी जोर लगा लिया है, उसकी भी नहीं सुनाई हुई रंगी, वो भी जोर लगा रहा है, लंबरदार गाँव का, उसने भी हाथ जोड़ लिए, उसकी भी नहीं। नंबरदार भी जो है पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मदद नहीं हो पा रही है, जिसके चलते आज डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं। जी क्या समस्या आ रही है आपको? मेरे जी पति का ऑपरेशन हो रहा है सिर का, उसको डॉक्टर ने वाइब्रेशन से रोक रखा है, वाइब्रेशन से उसको खतरा है, इस करके मैं ये टावर लगना नहीं देना चाहती। अच्छा, लेकिन टावर तो लग चुका है? नहीं, हम रोकेंगे, अगर नहीं रुकेगा फिर देखी जाएगी, जो होगा हम भी वो देखी जाएगी, जो बनेगी हम गांव वाले फिर हम नहीं लगने देंगे। चोरी चोरी लगाता है इसी के पास, इसी करके ओएम भी अब कोई एक्शन लिया जाए, अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा फिर हम आप खुद एक्शन लेंगे। तो क्या लगता है डीसी साहब से मिलोगे तो समाधान हो पाएगा? मैं तो बहुत ज्यादा लेकर आया जी, देखो बताया जा रहा है कि थाने में गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई आपको? डीसी से उम्मीद बहुत लेके आए, आगे देखो क्या बनता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम महिलाएं जो है यहाँ पर पहुंची है डीसी साहब से मिलने के लिए। इनका कहना है कि जो टावर लगा है उससे दिक्कतें हो रही है, इसके चलते जो है तरावड़ी के डोडवा से तमाम महिलाएं जो है करनाल के जिला सचिवालय में पहुंची है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।